हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो आज की वीडियो में हम एक और वेबसाइट ट्राई करेंगे और वहां से हम मंगवाएंगे दी ऑर्डिनरी की एक प्रोडक्ट और उसको फिर चेक करेंगे ये बाकी प्रोडक्ट्स से किस तरह की है इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू दूंगी और इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी बट मैं इसको जो कंपेयर करूँगी वो दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट से वो एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे

ठीक है तो वहाँ से भी मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी वो जो कि इस तरह से पैकेज होकर आई है जस्ट वन सीरम है लेट्स ओपन इट एंड सी वॉच एंड आई सो ही इज द सीरम विच इज़ एच ए बी एच ए पीलिंग सोल्यूशन सो ये जो बिग बास्ट डॉट पी के जो वेबसाइट है ये लोग क्लेम करते हैं कि दे प्रोवाइड ओनली औरिजनल प्रोडक्ट्स और इनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेज जो है ना नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रही हैं ऑलमोस्ट उतनी ही हैं सो आई अज्यूम के दे आर प्रोवाइडिंग अस यू नो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बट मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है सो दिस इज़ एच एंड बी एच ए सोल्यूशन वॉट इज एच एच एज एल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और इसकी जो परसेंटेज uh, है, है, है इस सोल्यूशन में वो ए एच ए की थर्टी परसेंट है और बी एच ए की टू परसेंट है इससे ज़्यादा हम नॉर्मली इसकी परसेंटेजेज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में इन्होंने दी हुई है और ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इन्होंने इस तरह की प्रोडक्ट्स दी हुई होती हैं कि आपको क्लियरली पता चल जाता है कि इसमें प्रोडक्ट में है क्या एक्चुअली सो so, इसमें ये नहीं होता कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है दे आर देयर और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढूं तो इसमें है थर्टी परसेंट एल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड टू परसेंट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अच्छा जो एल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड है वो होते क्या हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है लैक्टिक एसिड हो सकता है टार्टारिक एसिड हो सकता है या सिट्रिक एसिड हो सकता है ठीक है जो बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड्स हैं वो सेलिसलिक एसिड है सो सेलेिक एसिड जो है वो एज कम्पेयर टू ए एच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा जो है ना काम कर सकता है एक्सफोलिएशन के लिए सो so, इसीलिए इसकी जो परसेंटेज है वो कम यूज़ की जाती है और ये जो है मिक्स्ड है हाइडलोरिक एसिड में सो दैट इट कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हाइड्रेशन और क्रॉस पॉलीमर है इसमें विटामिन बी फाइव है ब्लैक कैरेट है और तस्मानियन पेपर पेपरबेरी ये कुछ इन्होंने ऑर्गेनिक uh, चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं बेसिकली जो ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी वीगन होती हैं और uh, ये एक अच्छी चीज़ है इनकी प्रोडक्ट्स की कि वीगन होती हैं क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं या बाहर की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि वेदर इट्स हलाल और नॉट तो जब कोई प्रोडक्ट या कोई ब्रांड वीगन होता है ना तो उसमें से हमारी ये परेशानी जो ना फ़ौर दूर हो जाती है कि जब वीगन है तो फिर इसमें हलाल और हराम का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सो so, ऑर्डनर की अच्छी चीज़ है मैंने काफ़ी सारे इनके चीज़ें ट्राई की हुई एच एन बी एच ए जो सोल्यूशन है इट्स एक्चुअली एक्सफोलिएशन मास्क काइंड ऑफ प्रोडक्ट और इसको हम चेहरे पे लगाते हैं इट्स अ रेड कलर्ड प्रोडक्ट और ये सीरम की कंसिस्टेंसी में है जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं इसको आप फेस पे लगाते हैं और सिर्फ टेन मिनट्स के लिए लगाते हैं उसके बाद नॉर्मल जो टेम्परेचर पानी है उससे रिंस कर लेते हैं और ये इसमें बाकायदा इसकी जो डायरेक्शंस टू यूज़ हैं उसमें लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट यूज़ इट मोर देन टेन मिनट्स और इसको आप लगाने से पहले मेक श्योर sure करना है कि आपने चेहरे को अच्छी तरीके से धोया हुआ हो पानी से और क्लेंज़र से जिस तरह भी आप वॉश करते हैं अच्छी तरह से धोया हुआ बिकॉज़ इफ़ देर इज़ एनी थिंग लाइक अगर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया या कोई क्रीम अप्लाई की हुई है उसके ऊपर अगर आप एच ए बी एच ई सोल्यूशन लगाएंगे तो जो एसिड्स की जो सारी स्ट्रेंथ है वो बजाय कि आपकी डेड स्किन को हटाए वो आपकी उस क्रीम और उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देगी उसके साथ वर्किंग शुरू कर देगी तो इट वॉन्ट बी लाइक like, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए हैं इससे इसके अलावा जो है इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने ये देखना है कि टेन मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं लगाना है इसकी डायरेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करना है और कोशिश करें कि इसको दिन के टाइम पर ना यूज़ करें बल्कि आप इसको रात के टाइम पे यूज़ करें रात के टाइम पे यूज़ करें एक्सफोलिएशन दस मिनट लगाएं और जब ये आप रिन्स कर लें उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं और सो जाएं लेकिन और सुबह उठ के जब आप बाहर निकलें तो आप सनब्लॉक लगा के निकलें अगर आप दिन में भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और ये केमिकल एक्सफोलिएशन है तो आपके चेहरे पे जितनी भी डेड स्किन सेल्स होते हैं जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जितने भी क्लॉक पोर्स होते हैं इन सब को सही कर देता है डेड स्किन को ही डिज़ोल्व कर देता है तो जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो डायरेक्ट जो है ना सनलाइट के सामने आ सकती है और डायरेक्ट सनलाइट लाइट इसको डैमेज कर सकती है मेक श्योर यू आर यूजिंग प्रॉपर सन ब्लॉक वन यू आर यूजिंग दिस अच्छा अब इसको यूज़ कब करना है आप इसको हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं वरना अगर हफ्ते में एक भी दिन यूज़ करेंगे तो बेस्ट है बाकी ये आप पे डिपेंड करते है, होता क्या है कि आपकी जो स्किन है वो जब डेड स्किन हट जाती है तो ग्लो करने लगती है स्किन अच्छा एक्सफोलियंट बहुत ज़रूरी होता है बाज़ लोगों को लगता है कि भाई जब ये हार्मफुल है स्किन के लिए तो लोग क्यों इसको रिकमेंड करते हैं बेसिकली क्या होता है समटाइम्स आई फील लाइक दिस कि मेरी जब डेड स्किन बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे आ जाती है तो जो चेहरा है वो आपका डल लगने लगता है स्किन बहुत डल हो जाती है कहीं से आपके ऐसा लगता है कि ड्राई स्किन पैचेज़ हो रहे हैं कहीं से आपको लगता है स्किन हल्की हल्की उतर रही है और जो आपकी स्किन टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता एवरीथिंग तो ये जो एक्सफोलियन जब आप अप्लाई करते हैं तो इट गेट्स ऑल थिंग्स आउट फ्रॉम योर स्किन और आपकी स्किन अंदर से ग्लोई और बहुत ज़्यादा फ्रेश और यंग और बेबी स्किन टाइप निकल आती है सो यू गाइज आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट इफ़ यू डिट प्लीज़ इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी मीन इन द कॉमेंट्स गलो वट ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय